इवनिंग आप सब लोगों का मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं. मेरे बहुत से वेल विशर परिवार के सदस्य दोस्त सब इकट्ठा हुए हैं और मेरे लिए ये बड़ी अजीब सा मोमेंट है. खुशी भी है, नर्वसनेस भी है क्योंकि मेरी लड़की डेब्यू करने जा रही है आज. ऐसे मौके पे बोलना बड़ा मुश्किल होता है. काश मनीष पॉल काश मेरे पास आप जैसी स्किल होती. प्लीज मुझे कुछ बजा सकते हैं आप? मनीष पॉल वैसे तो फिल्मों में ही हैं लेकिन माहिर कुछ कहने में. प्लीज कैन यू सेव मी? आई एम सो ऑकवर्ड. प्लीज कम. मनीष मैंने फिल्म में तो नहीं ले पाया आपको लेकिन यहाँ तो मदद कर सकते हो. हाँ सर, चलिए फिल्म के टाइम नहीं याद आई, होस्टिंग के टाइम ही याद आई. बड़ा अच्छा लगा, थैंक यू. प्लीज प्रोड्यूसर साहब के लिए जोरदार थालियाँ हो जाए. प्लीज थैंक यू सो मच सर. ऑल माइन सर. कोई स्क्रिप्ट वगैरह कुछ लिखा है आपने? कुछ लिखा होगा, कुछ है मेरे को बता दो यार. लिखिए सर आपने. बट सर थैंक यू सो मच. गुड इवनिंग एवरीबडी, माई नेम इज मनीष पॉल एंड वेलकम यू ऑल टू दिस लवली ट्रेलर लॉन्च ऑफ वेडिंग पुलाव. आज यहाँ पे बहुत सारी कम ऑन यार, बिग हैंड एवरीबॉडी. चलिए मुझे ये भी समझ के जाना पड़ेगा कि शो में जा रहा हूँ, कहाँ पे जा रहा हूँ और कहाँ छुप के बैठना है. बट आई एम हियर नाउ. शशि जी थैंक यू सो मच. वैसे स्क्रिप्ट तो मैं क्या पढ़ूँ, मैं वैसे बताता हूँ आज यहाँ पे जिस काम के लिए मैं आया हूँ. मैं आपको बताऊँ, ये फिल्म जब गए लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं चाहूंगा जोरदार तालियां हो जाए फॉर सलीम सुलेमान. आइए प्लीज, कम ऑन, जोरदार तालियां बजनी चाहिए. हियर कम्स द मैन इन ब्लैक. वेलकम वेलकम वेलकम. एंड शशि वाज लाइक वी नीड फोर ग्रेट सॉन्ग्स. एंड अल्टीमेटली जब फिल्म की एल्बम खत्म हुई तो 7 गाने हो गए. एंड वी स्टार्टेड लाइक मेकिंग मोर एंड मोर बिकॉज इतना मजा आया हमको 4 गाने बनाने के बाद. That वो मन नहीं भरा था, पेट नहीं भरा था. So we went on, we made 3 more songs. और wedding is such a beautiful occasion that you know, the more you celebrate, the more you put in love and music in it, it just gets bigger and bigger and better and better. So we really had a great time. You know, I've been standing outside and doing this whole press thing with everybody. और सब लोग मुझे पूछ रहे यार ये वेडिंग पुलाव क्यों है, वेडिंग में तो बिरयानी होती है, पुलाव कहाँ से आ गया इसमें. सो आई वॉज ट्राइंग टू एक्सप्लेन टू देम कि पुलाव इज़ दी ओनली डिश विच हैज़ अ लॉट ऑफ वेजिटेबल्स, हैज़ अ लॉट ऑफ मसाला, हैज़ सम चिकन एंड राइस एंड सो इट्स अ मिक्स, इट्स अ पॉटपूरी ऑफ ऑल द इन्ग्रीडियंट्स टुगेदर. एंड द म्यूजिक इज़ वेरी सिमिलर टू दैट. इट्स गॉट सम Dhamal songs, which are supposed to be a part of every Punjabi wedding. And of course, it's got love, it's got heartbreak, it's got all the emotions, and it's got party nonstop. So, Wedding Pullav was one of those films for us, which completely did the story in terms of the diaspora of songs that we wanted to create. And we are very happy with the music. We love the music. We make music which we can listen to in our cars, and this is one album that we love and cherish. So please go ahead. Haan, gaayenge na, of course. I also like to thank all the singers who are part of it. Roop Kumar Rathor ji, who's here. There's a couple of new singers. There's Digvijay Singh, and there is Sivan Singh, Salim Merchant, but I don't like to take my name so much. So. It's okay, I've said, taken my name. and many more singers. Shreya Ghoshal, of course, yeah. Huh? Huh, and Raj Pandit. Oh, wow, who I'm going to call on stage, so I was going to. So, kuch
एक छोटी सी झलक ऑफ द आई हैव टू यूज द वर्ड झलक राइट सो एक छोटी सी झलक आज इतनी तुमने बाहर देखा सब लोग यहाँ पे खास तौर पे तुम्हारे लिए आए एनीथिंग यू वुड लाइक टू से टू एवरीबॉडी हियर एक्चुअली या ऑफ कोर्स आई वांट टू स्टार्ट विद अ प्लेन एंड सिंपल थैंक यू मैं थोड़े पॉइंटर्स बनाए क्योंकि मुझे पता था यहाँ के मैं इतना नर्वस हो जाऊंगी आई एम गोना ब्लर सो फर्स्टली आई वुड लव टू थैंक माय पेरेंट्स मॉम इट्स लाइक यू नो जब बचपन में आपके मॉम डैड आपको हमेशा कहते हैं कि आपकी मैं सारी यू नो ख्वाहिशें पूरी करेंगे आपको जो चाहिए वो देंगे My parents actually lived up to that dream of mine. That whatever I wanted, they have helped me get it. After that, obviously, talking about Wedding Pullav, I have to thank Vinod sir. He is... he is one of the sweetest people I've ever met in my life. He's a dream for any newcomer to work with. हमेशा जोक्स क्रैक करते रहते हैं हमें हंसाते रहते हैं एक दूसरे की टांग खींचते रहते हैं तो यू नो आपका हमेशा मूड अच्छा रहता है सेट पे अगर आप नर्वस हो क्योंकि आपने कोई चीज़ पहले की नहीं है ही हेल्प्स इट गेट इजी आउट ऑफ यू सो थैंक यू एंड आई होप यू हैप्पी विद व्हाटएवर यू हैव सीन एंड आई होप टू वर्क विद यू मेनी 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 टाइम्स मोर आफ्टर दैट ऑफकोर्स गोपाल सर हाउएवर आई लुक आई एम बिलीविंग आई एम हियरिंग दैट आई एम नॉट लुकिंग दैट बैड सो आई होप all of you all think the same and you'll see the trailer. It's all thanks to Gopal, sir. He was an amazing DOP. He was so sweet. Every time there was something, he would always come and tell me, oh, you're looking very pretty, Anushka. Do this, Anushka. Do that, Anushka. So it felt really nice that, you know, everyone on set, Dad, BP, Gopal, sir, was so supportive and they were so fun to work with. After that, of course, Pony Verma, she couldn't be with us today because she's in Hyderabad. And she is like, a mother figure to me. She's seen me grow up and she was so sweet. So she has killed me, made sure I practice, rehearse, do a good job in my dance and I guess now you all will see the results. Of course, my cast and crew, Diggy, Karan, Sonali, Aru, Ali, Nikki, everyone. I love you all from the bottom of my heart. This was the best crew anybody could have worked with because everyone was so sweet, everyone was so supportive. I got ragged by Diggy and Karan. Unfortunately, Diggy couldn't be here, but both of them have really taken my case in this whole film. And I've hated them and loved them, and they made fun of me at so many places. But that's why this film has turned out so beautifully, because all of us genuinely were friends. All of us did love each other, and literally were in tears the day we had to wrap up. So, of course, I'd like to thank them. Last but not the least, my friends, of course, all you guys who come here, who have supported me. Y'all are literally the reason why I've been like standing. My girlfriends, I would like text them all the time and be like for anything and they'd always support me and tell me, no, you're good. They'd come, they'll see my songs, they'll see my scenes and they'll be so supportive. And it was so sweet, like it felt so good that I had such amazing friends all the time who were always looking out for me and were actually happy and proud of me. So, I guess that's it. I've taken enough time. But it was such a beautiful journey. And I swear, I cannot wait to share it with every one of you all that these were literally one of the most happiest days of my life. And I wish all of you all enjoyed as much as I did. Thank you. क्या बात है यार? वैसे तो सबको इंग्लिश आती है, but जिनको नहीं समझ आया, मोटी मोटा लबा लबाव ये है, मुझे बड़ा मजा आया. Right. बहुत मस्ती की है बहुत मस्ती की है मुझे तो सारी कहानियां मिलती रहती थी लेकिन मैं एक जानना चाहता हूँ यू नो ये आई नो करण कहानियां मिली है तुम्हारे पास बाद में आते लेकिन तुम्हारा हीरो कहाँ है मतलब ये क्या हो गया माय हीरो इज अ वेरी बिग एक्टर डोंट अंडरएस्टिमेट हिम रियली ही इज शूटिंग अनदर फिल्म तो आ नहीं पाए ही इज रिग्रेटिंग इट ही रियली वांटेड टू बी हियर बट अनफॉर्चूनेटली डेट्स एटसेट्रा डिडंट वर्क आउट वेल बट इट्स ओके ही इज गोना बी हियर वेरी सून ओके एंड देन Everyone can see him. He's going to be all over the place. Absolutely. So, yeah. Filal, to wohi ki pose maar ke kade. Hi, dekhaan, how are you, brother? That also is copying me, huh? Haan, he's, yeah. Ye pout aur tum pout nahi. I like the pout. Very nice. Lekin Digant yahan pe nahi aaya but let me tell you jin logon ne Digant ko nahi dekha yahan unka debut hai but south mein bahut sari films karte hain aur wahan pe bahut bade star hain so ek bar taaliyan ho jaye Digant ke liye yaar ye taaliyan please un tak bhej dena kaun leke jayega mujhe nahi pata but dekhiye yahan pe तुम्हारा डेब्यू हुआ है दिगांत का डेब्यू हुआ है लेकिन एक और शख्स हैं जो इंडस्ट्री में इतने पुराने हैं सब उनको जानते हैं बड़े फेमस हैं पर फिर भी उनका डेब्यू हुआ है बताइए बतौर डायरेक्टर देखिए हम उनके काम को बहुत प्यार करते हैं जब भी वो
कैमरा पकड़ लेते हैं तो बस फिर तो सब भूल जाओ, फिर सब कुछ खूबसूरत हो जाता है. बेस्ट सिनेमेटोग्राफर इन इंडिया लेडीज एंड जेंटलमैन, अगर मैं बात करूं भाग मिल्खा भाग, रंग दे बसंती, मुन्ना भाई MBBS और बहुत बड़ी लिस्ट है, लिस्ट को छोड़ते हैं. अरे हाय आलिया, फेफड़े अभी भी बचे, आवाज आ गई बाहर. टू स्टेट्स, ऑल राइट, ये आवाज टू स्टेट्स दूर भी पहुंचे. किसको नहीं किया? कांची. कांची इज माय बिगेस्ट सपोर्ट एवर, लाइक शी इज द वन पर्सन आई रन टू फॉर एवरीथिंग. कांची, यू आर द बिगेस्ट सपोर्ट. कांची इज द रीजन आई एम स्टैंडिंग हियर टुडे. माय सिस्टर इज माय बिगेस्ट सपोर्ट, माय क्लोजेस्ट बेस्टेस्ट फ्रेंड, एंड दिस इज द रीजन आफ्टर दैट यू वोंट बी एबल टू स्टैंड फॉर एटलीस्ट 2 आवर्स व्हेन यू गो होम बिकॉज़ यू टुक हर नेम लास्ट. बट कांची, यू नो आई हर्ड, एक्चुअली माइक में थोड़ा सा स्लिप हुआ था, ये दिल्ली से आया, वहां पे सर्दी वर्दी होती है, माइक जम जाता है. ये वहां का माइक है, इन्हें नाम लिया था. एक बार जोरदार तारे कांची के लिए होनी चाहिए, लेडीज एंड जेंटलमैन. कांची डिजर्व द स्पेशल मेंशन, दैट्स व्हाई. हां, तो अब ये टेलीवाइज भी नहीं है कि मैं कहूं देखिए मैं इंट्रोडक्शन दे चुका हूं, कट कर कॉपी पेस्ट कर लेना, बट आप सबने इंट्रोडक्शन सुन लिया है, वैसे इनको इंट्रोडक्शन की कोई जरूरत नहीं है. बिगिन लेडीज एंड जेंटलमैन फॉर द वन एंड ओनली मिस्टर विनोद प्रधान. विनोद सर, अभी स्टेज पे आई नहीं है, तालियां कंटिन्यू रखें. आइए सर.